नमस्कार दोस्तों, जब हमें कमज़ोरी महसूस होती है या हम कभी बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद हम कमज़ोर हो जाते हैं, या हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है, या हमें सुस्ती सी महसूस होने लगती है, तो हमें एक टॉनिक की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी में आमतौर पे अल्फ़ा टॉनिक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और कभी ना कभी ज़रूर लिया होगा, उसको यूज़ किया होगा। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो अपनी अपनी अल्फ़ा टॉनिक बनाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 3 अल्फ़ा टॉनिक के बारे में जानकारी दूंगा जो मैं अपने क्लिनिक में रेगुलरली प्रिस्क्राइब करता हूं, अपने पेशेंट्स को देता हूं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है टॉप 3 अल्फ़ा टॉनिक। दोस्तों, ये तीनों अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिंस हैं। अगर आपको थकान लगती है, आपको वीकनेस की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ भी काम करने के दौरान आपको थकान महसूस होती है और हमेशा थके थके से महसूस करते हैं, और साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आपको जब चलते हैं आप तो हाँफी आ जाती है, तो ये सब टॉनिक इन सब बीमारियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अल्फ़ा टॉनिक होम्योपैथी में ना सिर्फ थकान, ना सिर्फ कमज़ोरी, ना सिर्फ वीकनेस, ना सिर्फ जनरल टॉनिक जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपको पेट संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी, अपच की समस्या नहीं होगी और भूख भी लगेगी। दोस्तों, सबसे पहली है SBL की अल्फ़ा टॉनिक विथ जिनसेंग, उसके बाद है अल्फ़ा टॉनिक, ये है डॉक्टर रेकवेक की अल्फ़ा टॉनिक R95 जो कि मेड इन जर्मनी है। डॉक्टर रेकवेक एक जर्मन होम्योपैथिक कंपनी है जो जर्मनी से यहाँ इंडिया में सीधे आती है और सीधे आप लोग इसको यूज़ करते हैं, मेड इन जर्मनी ये टॉनिक है। तीसरी अल्फ़ा टॉनिक है HSL मतलब हैश लैब की अल्फ़ा अल्फ़ा सुपर ABCD। दोस्तों, ये टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा टॉनिक जो कि SBL की आती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको लेने का तरीका बताऊंगा और लास्ट में ये बताऊंगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है और आपको कहां पर मिलेगी, क्या प्राइसिंग है। तो सबसे पहले फटाफट से जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है अल्फ़ा अल्फ़ा, जो कि स्वाभाविक बात है अल्फ़ा टॉनिक में मिली ही होगी। अगर आपका वज़न कम है, साथ ही साथ आपको वीकनेस की प्रॉब्लम है, थकान लगती है, कुछ भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, जल्दी से हाँफी आने लगती है, चलते समय आपको हाँफी आती है, अल्फ़ा अल्फ़ा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाती है। दूसरी मेडिसिन है एवनेसेटाइवा। दोस्तों, एवनेसेटाइवा वीकनेस को कम करती है, साथ ही साथ अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो एवनेसेटाइवा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है जिनसेंग, इसके बारे में सभी जानते हैं। जिनसेंग जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ वीकनेस को भी कम करती है और सीमेन और स्पर्म काउंट को भी ये बढ़ाती है। चौथी मेडिसिन है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, जिसको आम भाषा में हम चाइना भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो और उसके कारण एनीमिया के कारण आपको समस्या हो रही हो तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस मतलब चाइना बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रस्टिस, पेट की समस्या मतलब आपको अपच की प्रॉब्लम है, बार बार मोशन जाना पड़ता है, IBS की समस्या है, या आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, या इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा डल है, मतलब आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमज़ोर है आपके शरीर के अंदर, तो हाइड्रस्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आगे चलते हैं तो कुछ बायोकेमिक मेडिसिंस हैं जैसे कालीफॉस। दोस्तों, ये ब्रेन टॉनिक है तो मेमोरी बढ़ाती है। आगे चलते हैं काली आर्स, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। फेरम एस्टिकम, दोस्तों फेरम एस्टिकम हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। और लास्ट में कैल्केरिया फॉस डली हुई है जो कि कैल्शियम को बढ़ाती है दोस्तों, और बोन को मजबूत करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। तो दोस्तों, ये थी इस अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक विद जिनसेंग जो कि SBL कंपनी की है, उसमें डली हुई होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, अब इसको कैसे लेना है, तो सभी अल्फ़ा जो टॉनिक होती हैं उनको लगभग दिन में 3 बार लिया जाता है, तो बड़े इसको 10 ml मतलब एक ढक्कन
दिन में 3 बार लें और बच्चे इसे लगभग 5 ml दिन में 3 बार लें। बिफोर मील लेंगे मतलब खाना खाने के पहले लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे आप देख रहे हैं इंडिकेशन में लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, जनरल वीकनेस कमज़ोरी, एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन और स्लीपलेसनेस मतलब नींद ना आना, इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ। साथ ही साथ ये रिटेल में मतलब लोग अपने से भी इसको लेने आते हैं और मेरे क्लिनिक से लेके जाते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ये अल्फ़ा टॉनिक विद जिनसेंग, और ये टॉनिक 500 ml की आपको फ़ाइल में मिलेगी और छोटी फाइल में भी मिलेगी। तो 500 ml की फ़ाइल आपको लगभग 295 rupees की मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इससे छोटी फाइल लेना चाहते हैं मतलब 180 ml की फ़ाइल लेना चाहते हैं तो वो लगभग 130 rupees की आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो ये अल्फ़ा टॉनिक है डॉक्टर रेकवेक की R95 अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक। चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस मिली हुई हैं। सबसे पहले मेडिसिन है इसमें एसिड फॉस, दोस्तों वीकनेस के लिए, थकान के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और सुस्ती के लिए एसिड फॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन अल्फ़ा अल्फ़ा जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तीसरी मेडिसिन एवनस अटाइवा इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चौथी मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस जो कि कैल्शियम है और हड्डियों को मजबूत करती है। पांचवी मेडिसिन है चाइना इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। छठवीं मेडिसिन है इसमें सिनामोमम, सिनामोमम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है फीमेल्स के लिए, इरेगुलर मेंसेस के लिए और साथ ही साथ कैंसर से भी ये आपको बचाती है। एक मेडिसिन है हाइड्रस्टिस इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस, दोस्तों मैकफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एज अ पेन किलर होम्योपैथी में दी जाती है। तो जब हम घर आते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हल्का सा हमारा शरीर बदन दर्द करता है तो मैकफॉस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका, दोस्तों नक्स वोमिका के बारे में आप सभी जानते हैं। नक्स वोमिका पेट संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है जिनसेंग, दोस्तों जिनसेंग मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन इस अल्फ़ा टॉनिक में डली हुई है। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव अल्फ़ा टॉनिक है ये, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और इसको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। तो सेम एज इट इज़ जैसे आप अल्फ़ा टॉनिक को यूज़ करना है वैसे ही इसको भी यूज़ करना है। तो अगर आप बड़े हैं तो लगभग 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के पहले, अगर आप बच्चे हैं तो 5 ml दिन में 3 बार खाना खाने के पहले। दोस्तों ये मेडिसिन एनीमिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, भूख नहीं लगती तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लॉस ऑफ वेट तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और साथ ही साथ ये इंसोमनिया के लिए नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है तो ये अल्फ़ा टॉनिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये अल्फ़ा टॉनिक और ये वाली अल्फ़ा टॉनिक दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप ये वाला अल्फ़ा टॉनिक ज़रूर एक बार लेके देखें। लगभग सेम मेडिसिन डली हुई हैं और लगभग एक जैसा ही असर ये दोनों में अल्फ़ा टॉनिक करती है। अब चलते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है मतलब ये कितने रुपये की आती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा और ये आती है 250 rupees की और सिर्फ ये 100 ml की है। तो 100 ml की 256 rupees की आती है मतलब अप्रॉक्स आपको 240 rupees की ये होम्योपैथिक शॉप में विद डिस्काउंट आराम से मिल जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं HSL की अल्फ़ा अल्फ़ा सुपर ABCD होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों ये है HSL की अल्फ़ा अल्फ़ा सुपर ABCD होम्योपैथिक अल्फ़ा टॉनिक। इसके कंपोनेंट, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिंस थोड़ी सी अलग हैं इन दोनों अल्फ़ा टॉनिक से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस डली हुई हैं। तो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा, एवनस अटाइवा, हाइड्रस्टिस, चाइना ऑफिसिनेलिस ये सभी मेडिसिन डली हुई हैं और इन सभी मेडिसिंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलते हैं अर्जुना की तरफ। दोस्तों अर्जुना एक बहुत ही अच्छी हार्ट टॉनिक है इसीलिए ये टॉनिक
ओल्ड पर्सन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको ये वाली अल्फा टॉनिक देनी चाहिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे चलते हैं, इसमें क्रेटेगस मेडिसिन डली हुई है, ये भी हार्ट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ अगर आप चलते हैं और चलते समय आपको हाँफी आती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो ये वाली अल्फा टॉनिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें डेजिटेलिस मेडिसिन डली हुई है, ये भी हार्ट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें इस्टोपेंथस मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों इस्टोपेंथस हार्ट अटैक से बचाती है, साथ ही साथ अगर आपको चेस्ट पेन होते हैं हार्ट अटैक के कारण तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये भी हार्ट टॉनिक है। और साथ ही साथ अगर पैरों में सूजन होती है, आपने देखा होगा कि हमारे बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन होती है, तो इस्टोपेंथस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें लाइकोपोडियम डली हुई है। दोस्तों लाइकोपोडियम गैस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, खासकर पेट अगर फूलता है और नीचे साइड ज़्यादा पेट फूलता है तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों लास्ट में इसमें राइबोफ्लेविन डली हुई है। दोस्तों ये एक विटामिन है जो इसमें डली हुई है। तो दोस्तों ये है अल्फ़ा अल्फ़ा सुपर टॉनिक विथ ABCD। दोस्तों आपको समझ में ही आ गया होगा कि ये किसके लिए, ये हमारे बुज़ुर्गों के लिए है, ये उनके लिए है जिनका BP बढ़ा रहता है, ये उनके लिए है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ वो टॉनिक भी लेना चाहते हैं। तो ये एक हार्ट टॉनिक भी है, साथ ही साथ ये अल्फ़ा टॉनिक भी है और साथ ही साथ ये गैस के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डोजेस इस प्रकार हैं कि एडल्ट्स को ये मेडिसिन देना है, बच्चों के लिए ये मेडिसिन नहीं है। तो एडल्ट्स के लिए लगभग 1 से 2 टीस्पून मतलब 10 ml अप्रॉक्स थोड़े से पानी के साथ, मतलब 10 ml या 15 ml पानी, मतलब 1/4 कप पानी में आप इसको एक ढक्कन या डेढ़ ढक्कन आप मिला के पिएँ और दिन में 3 बार पिएँ, सुबह दोपहर शाम। ये मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा बिकती है, ये 95 रुपीज़ की आती है और 115 ml की फाइल में ये आती है। बड़ी फाइल में अगर आप लेना चाहते हैं तो 450 ml की ये लगभग आपको 230 रुपये की मिल जाएगी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव अल्फ़ा टॉनिक है हमारे बुज़ुर्गों के लिए। दोस्तों इसके अलावा अल्फ़ा टॉनिक शुगर फ्री भी आती है और शुगर फ्री अल्फ़ा टॉनिक सबसे इफ़ेक्टिव है WSI की। तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। मेडिसिन वही है, लेने का तरीका वही है, बस इसमें शुगर नहीं है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो ये वाली अल्फ़ा टॉनिक ज़रूर यूज़ करें। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो लगभग एक ढक्कन दिन में 3 बार, 10 ml दिन में 3 बार यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप बच्चों को अल्फ़ा टॉनिक देना चाहते हैं तो WSI की शॉबे की अल्फ़ा टॉनिक सिरप आती है बच्चों के लिए, इसमें भी सेम मेडिसिन डली हुई है। तो अगर 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो 3 ml दिन में 2 से 3 बार दीजिए और 6 साल से बड़े बच्चे हैं तो 5 ml दिन में 2 से 3 बार दीजिए। ये थी top 3 अल्फ़ा टॉनिक। दोस्तों इसके अलावा मैंने 2 अल्फ़ा टॉनिक के बारे में और बताया है जो आपको बताना ज़रूरी था। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।